बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसकी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जामिनर कहता है जी, कैलकुलेट ईच ऑफ सिक्स पॉसिबल प्रॉफिट आउटकम, यानी सिक्स पॉसिबल प्रॉफिट, सिक्स टाइप ऑफ प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करने हैं विच कुड अराइज फ्रॉम गैम कंपनी इन द कमिंग ईयर। गैम कंपनी सेल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इज अबाउट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन टू मार्केट। इट नीड टू प्रिपेयर इट्स बजट फॉर द कमिंग ईयर एंड इज ट्राइंग टू डिसाइड वेदर टू लॉन्च द प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 30 और 35। देखिए, दो प्राइस ऑप्शन है, 30 का ऑप्शन है और 35 का ऑप्शन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्केट रिसर्च। अगर 30 प्राइस होगी तो सेल वॉल्यूम 120 भी हो सकता है, 110 भी, 140 भी, यानी सेल वॉल्यूम अगर क्वांटिटी ऑफ सेल चेंज होगी तो बेटा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब थ्री टाइप ऑफ प्रॉफिट तो ये आ गए पॉसिबल। एक 120 पे प्रॉफिट आएगा, एक 110 पे आएगा, एक 140 पे आएगा, थ्री प्रॉफिट ये आ गए। और 35 पे भी सेल 108, 100 या 94 हो सकती है, तो थ्री प्रॉफिट इधर आ गए, थ्री एंड थ्री मिला के सिक्स पॉसिबल प्रॉफिट आ गए। वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट वुड बी 12 पर यूनिट फॉर प्रोडक्शन वॉल्यूम अप टू एंड इंक्लूडिंग 100,000। एक लाख तक अगर प्रोडक्शन होगी तो वेरिएबल कास्ट 12 पर यूनिट होगी। हाउएवर इफ प्रोडक्शन एक्सीड 100,000, अगर प्रोडक्शन 100,000 से बढ़ गई, द वेरिएबल प्रोडक्शन कास्ट पर यूनिट वुड फॉल टू 11 फॉर ऑल यूनिट प्रोड्यूस। फिर 11 होगी कि अगर प्रोडक्शन 100,000 से बढ़ जाएगी तो फिर 11 वेरिएबल कास्ट होगी, और अगर 100,000 तक रही तो फिर 12 वेरिएबल कास्ट रही। एडवर्टाइजिंग कास्ट वुड बी पर 900,000 पर एनम। जो चीज पर एनम, पर क्वार्टर, पर मंथ दी होती है वो फिक्स्ड होती है, और जो पर यूनिट, पर लेबर आर, पर मशीन आर, पर एक्टिविटी होती है वो वेरिएबल होती है, ये ध्यान रखा करें बेटा। एट अ सेलिंग प्राइस 30 एंड 970 पर एनम एट अ प्राइस 35, कि 30 की प्राइस होगी तो 900 एडवर्टाइजिंग और 970 होगी अगर 35 की प्राइस होगी। फिक्स प्रोडक्शन कास्ट 150 है, 450 सॉरी। अब देखिए बेटा, जब भी प्रॉफिट मेजरमेंट को कहे ये आपको एग्जामिनर, तो मार्जिनल कास्टिंग का प्रिंसिपल यूज करते होते हैं। देखें, हमारे पास दो प्राइस के लेवल है, एक 30, उस पर तीन तरह का प्रॉफिट, 1, 2 एंड 3 टाइप। फिर 35 की प्राइस पे फिर थ्री टाइप, यानी 4 नंबर 5 नंबर एंड 6 नंबर। मार्जिनल कास्टिंग कहती है सेल लेस वेरिएबल कास्ट। अब सेल प्राइस यहां पे 30 है, 30 30 30, और नीचे जो है वो 35 का ऑप्शन है। अब वेरिएबल कास्ट जो है वो 100,000 तक जो है, 12 पर यूनिट होगी 100,000 तक, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुई तो फिर 11। ये 120 100,000 से ज्यादा है तो वेरिएबल कास्ट क्या होगी, 11। और दूसरे में 110 है, 110 भी 100,000 से ज्यादा है तो वहां पे भी 11। तीसरे में 140 वो भी 100,000 से ज्यादा है तो 11। इधर 108,000 वो भी 100,000 से ज्यादा है तो 11। फिर 100,000 है तो 100,000 तक क्या होगी, 12। और 94 100,000 से कम है तो 12। सेलेस वेरिएबल कास्ट बहुत ही आसान, 30 से 11 लेस किया तो कंट्रीब्यूशन 19 19 19, और यहाँ पे 35 से 11 तो 24। हाँ, ये 35 से 12 करेंगे तो 23 23। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आ जाता है, आपको अच्छी तरह पता है, उसे नंबर ऑफ यूनिट पे इसे मल्टीप्लाई करें। ये 120,000 है, मैं क्वेश्चन को 1000 में राउंड करने लगा हूँ, इसलिए मैं 1000 नहीं लेता, मैं 120 ले लेता हूँ।
आप भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस तरह कर सकते हो 120, 110 और 140, 110 एंड 140, और फिर है 108, 194, 108, 100,000 और 94,000। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट पे हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। तो देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आता है। पहले है 120 मल्टीप्लाई 19, डबल 280, डबल 280। दूसरा है 19 मल्टीप्लाई 110, 2090। तीसरा है 140 मल्टीप्लाई 19, 2660। चौथा है 108 मल्टीप्लाई 24, 2592। और पांचवा 2300 आ गया। छठा है जी 94 मल्टीप्लाई 23, 2162। और अब एडवर्टाइजिंग कास्ट, एडवर्टीजमेंट पे उसने कहा था 900 लगेगा, 30 प्राइस होगी। यहाँ पे क्योंकि 30 प्राइस है तो 900,000, 900,000 और 900,000। जब 35 होगी तो 970 एडवर्टाइजिंग कास्ट होगी। और फिक्स कास्ट उसने वैसे स्टेबल दी हुई है 450 हर जगह, 450, 450, 450, 450। ये इसका किसी भी चीज से कोई लिंक नहीं दिया, लिहाजा ये 450। तो आप बेटा प्रॉफिट आप कैलकुलेट करना तो आपके लिए काम ही कोई नहीं है बेटा, आप खुद बहुत जीनियस हैं, आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं। 2280 माइनस 900 माइनस 450, यहाँ पे प्रॉफिट आया 930 का। 2090 माइनस 900 माइनस ओहो 2090 माइनस 900 माइनस 450, 740। 2660 माइनस 900 माइनस 450, 1310। 2592 माइनस 970 माइनस 450, 1172। 2300 माइनस 970 माइनस 450, 880। 2162 माइनस 970 माइनस 450, 742। तो बेटा ये पॉसिबल प्रॉफिट आ गया उसके, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर वन जो है वो मीट कर गई, वो 8 मार्क्स की है। फिर उसने कहा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच ऑफ टू प्राइस ऑप्शन एंड रिकमेंड ऑन दिस बेसिस विच ऑप्शन गैम वुड चूज। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक बेटा जो है दोनों प्राइस ऑप्शन पे, एक 30 है एक 35 है। 30 पे प्रॉफिट कितना था आपके सामने, 930 का भी हो सकता है, 740 भी हो सकता है, 1310 भी हो सकता है। और 35 पे प्रॉफिट 1172, 880 और 742। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू को एक्सपेक्टेशन से, प्रोबेबिलिटी, प्रॉबिबिलिटी गिवन है फर्स्ट की 0.4, 0.5, 0.1। 0.4 मीन 40%, 0.5 मीन्स 50% और ये 0.1 10%। फर्स्ट की 0.4 है, पॉइंट फिर 5 है, 0.1 है। और ऐसे ही इन सेल वाली हैं 0.3, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.4। अब 930 मल्टीप्लाई 0.4372, 740 मल्टीप्लाई 0.5 से करें तो 370,
131। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एग्रीगेट कर लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे कितना आया 372 एग्रीगेट। 370 प्लस 131 873। ऐसे ही इसको देखा बेटा 1172 मल्टीप्लाई 0.3, ये 351.6। 880 मल्टीप्लाई 0.3 264 आ गया। 742 मल्टीप्लाई 0.4 तो ये 296.8 आ गया। और ये एग्रीगेट किया 264 और 351.6 प्लस 264 प्लस 296.8 912.4। तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, हाईएस्ट प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस में देखते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट ये वाला है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग 35 की प्राइस जो है उसे हम रिकमेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। 35 की प्राइस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे शायर कहता जी ब्रीफली एक्सप्लेन द मैक्सी मिनी डिसीजन रूल। मैक्सी मिनी को ब्रीफली एक्सप्लेन करें बेटा, मैक्सी मिनी रिस्क अवर्स अप्रोच है। जो लोग जो मैनेजमेंट लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं, रिस्क को अवॉइड करते हैं, वो मैक्सी मिनी डिसीजन रूल। मैक्सी मिनी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, मैक्सी मिनी, मैक्सी के आगे फ्रॉम लगा लो, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रॉम मिनिमम, कि मिनिमम में से मिनिमम प्रॉफिट में से मैक्सिमम वन सेलेक्ट करो। आइडेंटिफाई विथ विच प्राइस शुड बी चूजन बाय मैनेजमेंट इफ दे यूज दिस रूल टू डिसाइड विच प्राइस शुड बी चार्ज। मैक्सी मिनिमम देखो, तो ये मिनिमम प्रॉफिट देखते हैं, उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। 30 की प्राइस पे मिनिमम प्रॉफिट 930, 13, 10, 740, मिनिमम क्या है 740, और 35 पे मिनिमम क्या है 742। तो मिनिमम में से 740 और 742 में से हमने सिलेक्ट किसको करना, मैक्सिमम 742। इसके अकॉर्डिंग कितनी प्राइस होनी चाहिए 35 की। ये अप्रोच अगर आपसे कहता है मैक्सी मैक्स, पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो मैक्सिमम फ्रॉम मैक्सिमम, तो इसमें से मैक्सिमम कौन था 1172 और इसमें मैक्सिमम कौन था 1310। तो मैक्सिमम में से मैक्सिमम क्या था 1310, मैक्सी मैक्स क्या था 1310, यानी 30 की प्राइस हो जाती। फिर वो आपसे कहता है जी डिस्कस द फैक्टर विच मे गिव राइज टू अनसर्टेनिटी वेन सेटिंग बजट। बेटा बजट सेट करना या कोई भी एस्टिमेट लेना, अनसर्टेनिटी कहाँ पे होती है बेटा? लेक्चर में मैंने बहुत क्लियर बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक रिस्क और एक अनसर्टेनिटी। और मैंने कहा था रिस्क वो होता है जहां पे चांसेस ऑफ डेविएशन मेजरेबल हो, के रिजल्ट आने के से आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होने के चांसेस मेजरेबल हो तो रिस्क है। और अगर चांसेस मेजरेबल ना हो, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, आपको अंदाजा ही ना हो कि क्या होना है, तो अनसर्टेनिटी है। और मैंने कहा था कि इन दोनों में फर्क इस चीज का होता है, जहां पे आपका नॉलेज हाई होता है वहां पे रिस्क होता है, जहां पे आपका नॉलेज लो होता है वहां पे अनसर्टेनिटी होती है। जहां पे चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पे रिस्क है, जहां पे कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप चीजों को, अनसर्टेनिटी। तो बेटा अगर हम किसी बिजनेस की बात करें, एक बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक बिजनेस का बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल और दूसरा कौन सा एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है ना वो बेटा कंट्रोलेबल होता है, मैनेजमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है, इसलिए कंट्रोल कर सकती है कि मैनेजमेंट के पास इंटरनल नॉलेज हाई है। तो इंटरनल बिजनेस के मैटर में बिजनेस में मैनेजमेंट को रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी नहीं होती होती। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा नॉन कंट्रोलेबल होता है,
और इसमें हमेशा अनसर्टेनिटी होती है कि चीजें हमारे पास फुल्ली इंफॉर्म्ड नहीं होती। उसने कहा था सिक्स फैक्टर। तो बेटा एक्सटर्नल को आपने F1 के लेवल पे आप इसे पेस्टल के नाम से कहते हैं। पेस्टल में आप P को पॉलिटिकल फैक्टर, E इकोनॉमिक फैक्टर, S सोशल फैक्टर, T टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, E इन्वायरमेंटल फैक्टर, L लीगल फैक्टर। बेटा कहीं पे भी पॉलिटिकल चेंज आएगा तो अनसर्टेनिटी है। जैसे पाकिस्तान में अभी आपको पता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या गवर्नमेंट डिस्टेबल है, तो क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसीज टुवर्ड्स बिजनेस जो है वो चेंज हो जाएगी, रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएंगे। इकोनॉमिक चेंज होगी, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे इन्फ्लेशन अगर चेंज होगी तब भी अनसर्टेनिटी होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज होता है अनसर्टेनिटी होगी, टैक्स रेट चेंज होता है अनसर्टेनिटी होगी, एक्सचेंज रेट चेंज होता है अनसर्टेनिटी होगी, सोशल लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड कल्चर चेंज होता तब भी अनसर्टेनिटी, न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च आ जाती है तब भी अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई लॉ पास हो जाता कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तब भी अनसर्टेनिटी, लीगल फैक्टर कोई एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कुछ भी चेंज हो जाता आपकी टेक्नोलॉजी, तो अनसर्टेनिटी के बहुत सारे फैक्टर आप डिस्कस कर सकते हैं जो पेस्टल से रिलेटेड होता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता। बाकी बेटा बातें ज़ाहरा अगले क्वेश्चन में मैं आपसे करता रहूँगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।